हाँ जी, फिजन का ही एप्लीकेशन है न्यूक्लियर रिएक्टर। हाँ जी, कल हम पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक आपका न्यूक्लियर रिएक्शन भी है। तो आज डिटेल में देखेंगे कैसे वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वैसे अगर आपने आपने पढ़ी रखा है वैसे तो बेसिक मैकेनिज्म क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में? बेसिक प्रिंसिपल सही है बिल्कुल, कि आप हीट एनर्जी को कुछ तो करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये बात सही है। बट आपने चैप्टर नंबर कौन से में, सिक्स में या सेवन में? सिक्स में, चैप्टर नंबर सिक्स में ईएमआई में जनरेटर पढ़ा है। क्या जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का बेसिक मैकेनिज्म आता है क्या? बताएं कैसे कैसे बनती है बिजली? एसी जनरेटर टॉपिक आपका आता है, किसी को ध्यान नहीं है? सहेल आपकी नहीं आया अभी? वो नव्या कर ट्राई, उड़ गया। उसमें आप क्या होता है, एक लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है। एक क्लोज लूप होता है, उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है। उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए आपका करंट प्रोड्यूस होता है। सिंपल सा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वहीं से आपका करंट बनता है। अब जो एनर्जी आपकी बनी है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कोल से बनी है, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बनी है, उस एनर्जी का काम होता है टर्बाइन को घुमाना। टर्बाइन के चारों तरफ वो तार लगी होती है जिसके थ्रू आप मैग्नेट्स रख देंगे और फ्लक्स आपकी चेंज होगी। तो टर्बाइन कैसे भी आप करके घुमा दें तो उसके कारण से बिजली बन सकती है। तो घुमाने के लिए एनर्जी चाहिएगी, वो आप किसी भी फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो हम देखेंगे इसमें न्यूक्लियर से वो कैसे निकलती है। ठीक है, लिखिए आप, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ सेटअप which converts nuclear energy into electrical energy by using controlled fission reaction। फिशन की बेसिक इक्वेशन आपने लिख रखी है, एक एग्जांपल हमने देखा था 235। NB 41 99 4 न्यूट्रॉन्स। ये आपकी बेसिक फिजन रिएक्शन है। पहला जो वर्ड यूज किया गया वो आप देखें क्या लिखा है, कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। होगा क्या, आपके पास यूरेनियम के बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, है ना। एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ध्यान देना इसमें आप, स्लो हिट्स टू या हिट्स यूरेनियम न्यूक्लियस, टू इंड्यूस फिजन। कंट्रोल्ड है इसका मतलब हम पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंट्रोल क्या है, कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स आपके अनस्टेबल यूरेनियम न्यूक्लियस को हिट करने चाहिए।
तभी ये इंड्यूस हो सकती है। उसका कारण क्या है, स्लो ही क्यों चाहिए, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको ये याद रखना है कि वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट करेंगे यूरेनियम को, उससे आपकी फिजन रिएक्शन स्टार्ट होगी। बट कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हों। जैसे आप मान लें सैंपल है और ये बहुत सारे यूरेनियम न्यूक्लियस हैं, ऐसा डायग्राम हमने पहले जनरली न्यूक्लियस के लिए बनाया था और न्यूक्लियस में आपके न्यूक्लियोन्स थे। बट ध्यान रखें यहां पे मैंने इस पूरे को यूरेनियम न्यूक्लियस माना है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, ये एक न्यूक्लियस है। यहां पे एक न्यूट्रॉन अगर हिट करता है, फॉर एग्जांपल ये इससे हिट करता है, तो आप देखें एक न्यूट्रॉन जब एक न्यूक्लियस से हिट किया तो चार न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए। अगर इस एक न्यूक्लियस से, यूरेनियम के एक न्यूक्लियस से ये न्यूट्रॉन हिट करता है तो बाकी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो तो बनते ही बनते हैं, साथ में चार न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। अगर ये चार न्यूट्रॉन्स निकले और फर्दर उन्होंने 1, 2, 3 और 4 चार को हिट कर दिया, इन चारों न्यूट्रॉन्स ने फर्दर चार यूरेनियम को हिट कर दिया, तो फिर फर्दर आपके ऐसे करके 16 कितने हो जाएंगे वो, हाँ 4 × 16। ऐसे में प्रॉब्लम क्या है, ऐसे में प्रॉब्लम ये है कि एक एक पर्टिकुलर यूरेनियम न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, तो कुछ आपकी एनर्जी निकलती है 200 MeV के आसपास, ठीक है। इसके तुरंत बाद जो चार निकले हैं उनको कंट्रोल नहीं किया गया तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी प्रोड्यूस हो जाएगी कि जो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन एक तरीके से होता है। यहां पे आपको सिर्फ बिजली बनानी है, बम नहीं बनाना। तो क्या करना पड़ेगा, इन तीन न्यूट्रॉन्स को कैसे न कैसे करके एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा ताकि ये आगे रिएक्ट ना करें। दोबारा बताऊं तो बेटा, आपका एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में हिट करता है और उससे जो भी आपके प्रोडक्ट्स बने डॉटर न्यूक्लियाई वो तो ठीक है, साथ में चार न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। चार न्यूट्रॉन्स जैसे मान लो कि यहां से ही हिट किया तो इससे टकराने के बाद 2 डॉटर न्यूक्लियस बन गए और 4 न्यूट्रॉन निकले। 4 न्यूट्रॉन फर्दर 4 न्यूक्लियस से टकराए और उनको फिर से उसने ब्रेक कर दिया, फिर उसके 4 निकले। जैसे 4-4 करेंगे तो दूसरी तीसरी चेन में बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा और एक पर्टिकुलर रिएक्शन में बहुत एनर्जी निकलती है। तो अगर आपने इन तीनों को कैसे न कैसे करके नहीं रोका तो ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगा। क्या करें, हाँ हाँ, एक बार बम्बार्ड किया है उसके बाद जो न्यूट्रॉन्स निकले वो अपने आप सराउंडिंग सैंपल में प्रेजेंट न्यूक्लियस से टकराएंगे और वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे फिर हम। तो कंट्रोल का मतलब है कि एक्सेस न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड शुड बी एब्जॉर्ब्ड। आप यहां पर लिख लें सेकंड पॉइंट बना के, कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन के 2 पॉइंट हैं। पहला, आपको स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हिट कराना है और सेकंड, एक्सेस न्यूट्रॉन्स हैज टू बी एब्जॉर्ब्ड। एक्सेस न्यूट्रॉन्स हैज टू बी एब्जॉर्ब्ड टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन। बताएंगे सारी बात, बताएंगे कैसे एब्जॉर्ब करेंगे वो देखेंगे। एक्सेस न्यूट्रॉन्स हैव टू बी एब्जॉर्ब्ड टू स्टॉप द टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन, स्टॉप नहीं टू कंट्रोल, ठीक। हाँ, फास्ट होता तो वो और कुछ होता, बट हमें बस इतना करना है कि वो फिजन रिएक्शन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी की रेंज पे ही आपका फिजन एक्टिव होता है ना, तो आपको इसलिए स्लो डाउन करना पड़ेगा। अगर फास्ट आ रहा है,
फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे अगले पार्ट में, जो यहाँ पे तीन तो आपको एब्जॉर्ब करने हैं, जो एक बचाया है उसको हिट कराना है, बट उसको भी आप स्लो डाउन करेंगे, अभी हम आएंगे उस पर, इसको भी अगर ये फास्ट निकला तो स्लो डाउन इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है सौरभ, तो कंट्रोल रिएक्शन के दो पार्ट क्या क्या बताएं एक बार, क्या क्या हुए दो? वो स्लो होना चाहिए पहली बात, कंट्रोल्ड का मतलब है वो पहली बात स्लो होना चाहिए जो हिट कर रहा है, और दूसरा जो आपके चार निकले हैं तीन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एक को हम जाने देंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप एक टर्म और यूज कर सकते हैं इसी में, एक दो और तीसरा पॉइंट बना के लिख लें, क्या आप जो बताएं ना, मैं तो समझाना है, आप जैसे करना है वैसे करें, बताऊंगा सारी बातें एब्जॉर्ब करने के लिए बताऊंगा। थर्ड पॉइंट आप लिखें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को आप के से रिप्रेजेंट करते हैं, के, और ये वन होता है, इसका मीनिंग क्या है वो लिख लें आप। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ प्रिसीडिंग जनरेशन इसका मतलब ये फर्स्ट जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन में भी आपका एक ही बचना चाहिए, अगर चार होते तो मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता आपका फोर, आपको एक रखना है, अगर आपको कंट्रोल रिएक्शन करानी है तो के हैज टू बी वन, एक ही अगली जनरेशन में आना चाहिए। ठीक है फिर आपने कहा कि इसको स्लो डाउन कैसे करेंगे, आप एक जैसे ये बनाया है कंट्रोल फिजन रिएक्शन, अगली हेडिंग बनाए मॉडरेटर, यहाँ पे जो मॉडरेटर यूज किया गया है वो है D2O, D2O इज ऑल्सो कॉल्ड हैवी वोटर, D यहाँ पे ड्यूटीरियम है हाइड्रोजन की जगह, ठीक है D2O, ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है जो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के काम आता है ना, डिटेल में नहीं जाना है हमें कि कैसे वो स्लो डाउन होता है, बट हाँ उसको स्लो डाउन करने के लिए एक मॉडरेटर यूज करते हैं जो होता है D2O, आप लिख लें इसके लिए, मॉडरेटर इज यूज्ड टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, मॉडरेटर इज यूज्ड टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। फिर आपका नेक्स्ट है कंट्रोल रोड्स, देखो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, लाइन रिपीट करें, लिखें मॉडरेटर, मॉडरेटर्स क्या लिखवाया मैंने, हाँ स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स इज यूज्ड टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, ठीक। अगला लिखें कंट्रोल रोड्स, आपने स्लो डाउन कर दिया, रिएक्शन करा दी, अब जो तीन एक्स्ट्रा उनको एब्जॉर्ब करना है, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी कंट्रोल रोड्स डिजाइन होती हैं, कंट्रोल रोड्स आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन्स, कंट्रोल रोड्स आर यूज्ड
टू एब्जॉर्ब एक्सेस या एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स। हाँ जी बेटा, आपने जब शुरू में भेजा वो आपने कैसे ना कैसे स्लो भेजा, ठीक है मान लिया। जो बाद में प्रोड्यूस हुआ उसको भी कंट्रोल करना, आपको तीन को एब्जॉर्ब करना, एक जो बच गया वो भी फास्ट नहीं होना चाहिए, वो भी स्लो डाउन करना ताकि आगे रिएक्शन कर पाए, ठीक है। इसके बाद लिखे आप कूलेंट। हाँ जी नहीं, थियरी प्रॉपर थियरी। हाँ वो नहीं, इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं, बाइंडिंग एनर्जी के बनते हैं और लास्ट में रेडियो एक्टिव डिके के बनते हैं। तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के भी हम करेंगे और इसके भी बाइंडिंग एनर्जी के भी करेंगे, एक चैप्टर बचेगा इसके बाद। हाँ जी कंट्रोल रोड्स हो गया, उसके बाद है कूलेंट। एक आप बेसिक से डायग्राम बना लें, फॉर एग्जांपल ये वो बॉक्स है जिसमें आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, ये दो आपकी कंट्रोल रोड्स हैं और यहां से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इस पाइप के अंदर, कोई तो एक आपका पर्टिकुलर सब्सटेंस फ्लो करेगा जिसका नाम है, जिसको आपने कूलेंट बोला है, कूलेंट। बहुत ही क्रूड सा डायग्राम है, एनसीईआरटी में ऐसा ही दे रखा है। इस टॉपिक के लिए पर्टिकुलरली आपको आप एनसीईआरटी रेफर जरूर करना, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है पूरा पैराग्राफ दे रखा है, आप आराम से उसको पढ़ना जरूर। यहां पे आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, और यहीं पर कुछ तो मॉडरेटर भी डिजाइन किया गया होगा, और ये आपकी कंट्रोल रोड्स है। यहां से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई कूलेंट डिजाइन किया जाता है। जैसे रेफ्रिजरेटर में आपने देखा होगा, रेफ्रिजरेटर में आपकी वायरिंग होती है बहुत सारी, वायरिंग क्या करती है, उस वायर के अंदर कुछ तो आपकी गैस या कुछ ऐसा रहता है सब्सटेंस जो अंदर के हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब पहले खुद एब्जॉर्ब करता है फिर बाहर छोड़ता है। तो कूलेंट क्या करेगा, यहां से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको पहले खुद एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसको टर्बाइन तक लेके जाएगा। टर्बाइन में जो हीट उसने एब्जॉर्ब करी है उससे या तो पहले स्टीम बनेगी, स्टीम से आप प्रेशराइज करके टर्बाइन को घुमाओगे और टर्बाइन को घूमने से फिर आपकी बिजली अपने आप बन जाएगी। तो कुल मिला के कूलेंट का काम क्या हुआ, कूलेंट का काम है जो न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको एक्सट्रैक्ट करना। आप लिख लें कूलेंट का, coolant is used to extract, coolant is used to extract the energy produced in nuclear reaction. Full stop. And further this energy is utilized, and further this energy is utilized in rotating the turbine. Further, this energy is utilized in rotating the turbine and production of electricity, and production of electricity. ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये कीवर्ड्स ये आपको मैं, अगर आपके सवाल आता है पांच नंबर का आ गया तो आप ऐसे ही पांच सब हेडिंग बना के पहले उसका प्रिंसिपल लिख देंगे। प्रिंसिपल क्या है, कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन इज प्रिंसिपल। उसके बाद मॉडरेटर क्या है, कंट्रोल रोड्स क्या है, कूलेंट क्या है, स्कीमेटिक डायग्राम क्या है, ये सब बना देंगे आप। और ठीक है, इसमें लास्ट एक की टर्म और बच गई, एनरिच्ड यूरेनियम।
जो नेचुरली अकरिंग यूरेनियम है जैसे हमने देखा था क्लोरीन के दो आइसोटोप देखे थे 35-37, ऐसे यूरेनियम के भी आपके ये दो आइसोटोप्स हैं। इसमें ये वाला बहुत कम परसेंटेज में होता है और ये वाला खूब परसेंट में होता है। जहां तक मुझे ध्यान है, इफेक्ट आप चेक कर लेना, ये 99.3% तक ये होता है और ये वाला सिर्फ 0.01% है। क्रॉस चेक द फैक्ट, ठीक है। अब इसमें है क्या, ये वाला है जिसकी फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल है। हमने जो यहाँ पर रिएक्शन लिखी थी, आप देखें 235 था उसमें, तो ये वाला की फ्यूजन रिएक्शन होती है, बट ये है कम मात्रा में। इसको एनरिच करने का मतलब है आप कोई तो मेथड लगाते हैं जिसमें आपका कुछ तो रिफाइन करके, फिल्टरिंग करके, कि इसका परसेंटेज बढ़ जाए। इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा तो फ्यूजन रिएक्शन कराना आसान रहेगा, तो उसको आप एनरिचमेंट बोलते हैं, है ना। एनरिचमेंट लिख लें इसको आप, एनरिच्ड यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम हैज ग्रेटर अबंडेंस, हैज ग्रेटर अबंडेंस, यहां से देखें, ग्रेटर अबंडेंस ऑफ U92-235। पूरा लिखाऊंगा अभी, एक बार लिख, मैं बताऊंगा पूरा, आप लिखे पहले। एनरिच्ड यूरेनियम हैज ग्रेटर अबंडेंस ऑफ 92-235 एज कंपेयर टू नेचुरली अकरिंग यूरेनियम। नेचुरली अकरिंग यूरेनियम के कंपैरिजन में, मतलब मान 2% हो गया तो 2% भी वो एनरिच्ड ही कहलाएगा। अगर पूरे सैंपल में 2% ये हो गया तो भी वो एनरिच्ड है, वो ज्यादा एबंडेंस में है एज कंपेयर टू नेचुरल अकरिंग, नेचुरली अकरिंग यूरेनियम। परसेंटेज बढ़ गया है बस, ये मान लें आप, ठीक है। ये नेचुरली अकरिंग है, आप अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख लें इसको, एक एरो बना के एनरिच्ड यूरेनियम, और इसका परसेंटेज बढ़ा लें, इसका घटा लें, इसका बढ़ा लें, इसको 2% कर लें, इसको 98% कर लें। एग्जाम्पल के लिए एबंडेंस में से रहेगा, मैं कंपैरेटिवली बोल रहा हूं कि परसेंटेज बढ़ जाएगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, पहले वाला 98% और दूसरे वाला 2%, तो ये एनरिच हो गया है, उसकी अमाउंट का रेशियो बढ़ गया है उसके अंदर, सैंपल के अंदर। इसको एनरिच यूरेनियम बोलते हैं। हाँ जी, और जो आपकी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो पूरे संसार में नजर रखती हैं कि कहीं पे यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है क्या। फॉर एग्जांपल, अगर भारत यूरेनियम एनरिचमेंट करता है तो वो जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो फिर इंटरफेयर करती है, क्यों बढ़ा रहे हो भाई, है ना, क्योंकि उनको लगता है कि फिर अब बम बनेगा। जब 90 हमने पोखरण किया है तो पोखरण के दौरान बहुत सारा छुप छुप के किया हमने सब, है ना, और एकदम जब तक दुनिया को खबर होती तब तक उन्हें ब्लास्ट कर दिया था। आपको पता होगा वी आर ए न्यूक्लियर पावर, है ना, हम न्यूक्लियर पावर हैं ऑफिशियली, 4-5 ही न्यूक्लियर पावर है संसार में और हम हैं उनमें से। तो कुछ जो बहुत प्राउड फील करने वाली चीज़ें हमारे पास, वो एक तो ये है, एक इसरो है, एक और बताया था मैंने, बताया क्या था, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, है ना, वी आर वर्ल्ड फैक्ट्री ऑफ मेडिसिन्स। पॉपुलेशन, हाँ पॉपुलेशन, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं इसको कई बार, कि अगर हमारी यंग पॉपुलेशन अगर सही चैनलाइज हो जाए तो डेफिनेट स्ट्रेंथ है। अब देखो ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा डायस्पोरा बहुत स्ट्रांग हो गया है ना, US, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह हम भयंकर मात्रा में हैं। रोहतक में तो मैंने यहाँ के ऐसा फील किया कि लोगों को मतलब ऐसे लगी पड़ी है कि बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो इतने लोग बाहर सेटल हो रहे हैं तो रूट्स तो यहीं पर रहेंगी ना, तो कहीं ना कहीं मन में तो रहेगा ही, जब भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा
तो बाहर वाले लोग संभाल लेंगे, यहाँ वालों का मुझे पता नहीं, बट बाहर वालों का काफी इनपुट रहेगा। तो हमने बॉम्ब नहीं बनाया, क्या बनाई है? बिजली बनाई है, कंस्ट्रक्टिव यूज किया है इसका। आप में से किस किस की प्लानिंग है बाहर सेटल होने की? आप में से किसी की प्लानिंग है? हाँ, नहीं, स्टडी के लिए जाओ बिल्कुल, सेटल होने की कोई इशू नहीं है। हाँ, एक ही बात का बस ध्यान रहे कि बाहर सेटल हों या पढ़ने जाएं, जो भी करें, बट हमारे वैल्यू सिस्टम में बहुत ताकत है, तो वैल्यू सिस्टम आप साथ लेके चलें, कहीं भी रहें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के बाद हमने न्यूक्लियर रिएक्शन में दो टॉपिक पढ़े, फिजन और फ्यूजन। फिजन का एक एप्लीकेशन देख लिया है, अब फ्यूजन देखते हैं। फ्यूजन कहाँ पे होता है, फ्यूजन का क्या टाइम हो गया क्या? नहीं हो ना? बताएं फ्यूजन का कोई एप्लीकेशन या कोई एग्जांपल जहां पे आपको ध्यान होगी ये यहां पे फ्यूजन होता है। नहीं ध्यान है? स्टार्स में होता है क्या? स्टार्स की जो लाइट है, जो एनर्जी है, वो फ्यूजन के कारण ही आती है। आपके जो स्टार हैं वो पहले लाइटर न्यूक्लियाई, सबसे लाइटर कौन सा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एक ऐसे गोला होता है, और हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज करके हीलियम बनाते हैं। तो जितनी ज्यादा आपकी हाइड्रोजन रहेगी, वो फ्यूज करती रहेगी, हीलियम बनती रहेगी, एनर्जी निकलती रहेगी, उस एनर्जी से ही उसके पास लाइट और हीट आती है स्टार के पास। तो बेसिक जो फंक्शनिंग है स्टार की चमकने की, वो आपकी फ्यूजन है। क्या करें? फिजन में हम उसको फिजन यूज करते हैं, फ्यूजन यूज नहीं करते हैं। मैं बताऊंगा, फ्यूजन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसलिए काम नहीं आती क्योंकि फ्यूजन कराने के लिए, अभी हम बात करेंगे, फ्यूजन कराने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करना पड़ता है। क्यों? आप देखें, जब दो, सही सुनेंगे, जब दो न्यूक्लियस को आप फ्यूज कराएंगे तो उनका आपस का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, क्योंकि आपका वो भी पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को क्लब करना है। तो पहले तो आपको उनका रिपल्शन ओवरकम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर बनाना पड़ता है, सन से भी ज्यादा, जो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं हो पाता है। तो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के वो हैं फ्यूजन के ऊपर बेस्ड, बहुत मतलब नेग्लिजिबल हैं। अगर बहुत कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई हो तो एकाध बहुत ऐसा हुआ होगा, कमर्शियल स्केल पे आपका फिजन रिएक्शन ही यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो फ्यूजन इन स्टार्स, आप हेडिंग डालें फ्यूजन इन स्टार्स। लिखे इन बिगिनिंग स्टार्स आर जस्ट क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन, आर जस्ट क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन फुल स्टॉप। व्हेन दीज हाइड्रोजन न्यूक्लियाई स्टार्ट फ्यूजिंग, स्टार्ट फ्यूजिंग एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड। एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें फिशन हो रहा है, उसमें कौन प्रोवाइड करता है?
स्टार्टिंग में आपका कहीं ना कहीं फिजन होना पड़ेगा किसी न किसी, अभी मैं लिखवाऊंगा अगले पैराग्राफ में, फिजन के कारण वो एनर्जी टेम्परेचर बनता है फिर फ्यूजन होता है, लिखेंगे आप। फॉर फ्यूजन electrostatic repulsion of two nuclei has to be overcome and this can be done by producing high temperature, जो high temperature की range है वो है 3×10⁻¹ Kelvin type, मतलब है ना एक order है आपका, इतने Kelvin का temperature आपको बनाना पड़ेगा, और आप वहीं पे एक bracket बना के लिख लें, note temperature of interior of sun is almost 1.5×10⁷ Kelvin, temperature of interior of sun is this much, तो sun के interior से भी ज्यादा temperature आपको बनाना पड़ेगा है ना, to fuse two nuclei, full stop, hence such high temperature is only possible in fission reaction, full stop, therefore fission must occur to make fusion possible. एक बार इग्नाइट करने के लिए जरूरत है ना, एक कैसे भी करके एक कोई फ्यूजन हो जाए, उसके कारण से आपका एक फ्यूजन स्टार्ट हो गया तो फ्यूजन फिर अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और फर्दर फ्यूजन करता रहेगा, ठीक है। उसमें आपका देखो दो तरह के बॉम्ब होते हैं, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम ध्यान नहीं है, एक एटम बॉम्ब और एक न्यूक्लियर बॉम्ब, दोनों अंतर है क्या? हाँ जी, किसको आइडिया है? आप चेक कर लेना एक बार, मैं भी कल थोड़ा पढ़ गया हूँ उसके बारे में, कि एक में ना आपको पहले वो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा तभी वो हो पाएगा, और एक आपका अपने आप होता है, जो फिजन वाला है वो तो स्लो न्यूट्रॉन आपने अनकंट्रोल्ड कर दिया, ये तो ये हो ही जाएगा न्यूक्लियर रिएक्शन, जो एटम बॉम्ब है उसमें पहले ये कराना पड़ेगा फिर वो हो पाएगा, ठीक। हाँ जी, अब इसके लिए ना एक कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है, वो आप लिख लें, अगर बोर्ड में आती है तो वो चार इक्वेशन आपको याद करके लिखनी है, किसकी? फ्यूजन इन स्टार्स की, दो हाइड्रोजन न्यूक्लियस हैं फ्यूज होते हैं पॉजिट्रॉन दो हाइड्रोजन फ्यूज होके ड्यूटेरियम बना, अब फर्दर मैं बताऊंगा सारे सिंबल्स का मतलब अभी आपको।
इन चारों को बैलेंस करके ऐड करके जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो लिख रहा हूं। इन चारों को, चार हुई तीन हुई, चार हुई, 1 2 3 4, बैलेंस करके ऐड करना है और फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा आपका बस ये सिंपल सी चार पांच इक्वेशंस आपको याद करनी है। 12.86, छोड़ाएंगे नहीं, कर लेंगे आप, मुझे पता है। यहां पे जो सिंबल्स आपके लिए नए हैं पहले वो देख लें क्या क्या हैं। हाँ जी बेटा, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए याद करनी है, कंपिटेटिव एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है, है ना। एक बार देख लेना आपकी बोर्ड में रिपीटेटिवली पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, अगर नहीं पूछते हैं तो आप एट योर ओन रिस्क छोड़ भी सकते हैं, छोड़ देना फिर, ऑफ स्टंप की गेंद को छोड़ दें बाहर जाते हुए। हाँ जी देख लें, यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, ड्यूटेरियम, ये आपके लिए नया एक सिंबल है ई प्लस, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, लिख लें आप बेशक कहीं स्टार बना के, पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका मास इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है और चार्ज उसका प्लस ई होता है, ये आप, हाँ मैं बता रहा हूँ, एटम्स के अंदर नहीं होता ये, है ना, एटम्स के अंदर तीन ही चीज होती है क्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये कहीं फ्री स्पेस में आपका प्रोड्यूस हो सकता है, रिएक्शन के बीच में प्रोड्यूस हो सकता है, एनिहिलेशन में होता है ये आपका, आगे है एनिहिलेशन बताएंगे, ठीक है। पॉजिट्रॉन क्या है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है और चार्ज प्लस ई है। एक बात, ये जो पार्टिकल है आपका, न्यूट्रिनो है, हाँ जी न्यूट्रिनो, ये आपका चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल है, आपकी शक्लें देख के लग रहा है कि इसको आप कर लेंगे, मेरे हिसाब से मुझे आगे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये जो गामा बना हुआ है ये गामा रेडिएशन है, गामा रेडिएशन, इसके अंदर एनर्जी इतनी रिलीज होगी किसमें, कुछ नहीं है बस ये क्या नाम है, आपके एनर्जी इक्विवेलेंट बनाने के लिए स्टैंडर्ड तरीका यही है, 2 गामा लिख दें बात बराबर ही है, 1 गामा लिख तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एनर्जी है वो। तो यहाँ इस रिएक्शन को बोलते हैं एनहीलिएशन, एनहीलिएशन का मतलब होता है खत्म होना, यहाँ पे दो पार्टिकल्स थे, दो मास थे, वो एनहीलिएट हो गए और एनर्जी बन गई है, सेकेंड रिएक्शन इज कॉल्ड एनहीलिएशन रिएक्शन। एनिहिलेशन में डिस्ट्रक्शन ऑफ मास होता है, मतलब मास का एनर्जी में कन्वर्जन हो गया आपका। इसके बाद ये आपका ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन है, फर्दर फ्यूज हुआ है, गामा है, आगे एनर्जी है, इसके बाद शायद सारे सिंबल रिपीटेटिव हैं, इनको ऐड करके ये बन गया है, ये आपकी फाइनल एक्सप्रेशन है कि इस तरीके से चार हाइड्रोजन न्यूक्लियस स्टार में फ्यूज होके क्या बनाते हैं, एक हीलियम एटम बना, हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं।
तो जब तक आपका हाइड्रोजन अवेलेबल रहेगा, स्टार चमकता रहेगा, जब उसकी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, फ्यूजन आपका रुक जाएगा, तो वो डेड स्टार हो जाएगा। इतना ही करते हैं आज, थैंक यू।